आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। दोस्तों, नॉर्मली जब हम लोग किसी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन को यूज करते हुए किसी फाइल या फिर डेटा को कॉपी या फिर कट करते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके क्लिपबोर्ड में सेव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लिपबोर्ड क्या होता है और क्लिपबोर्ड कैसे काम करता है और क्लिपबोर्ड को कैसे हम लोग अपने सिस्टम में देखेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो क्लिपबोर्ड आपके कंप्यूटर में एक स्पेशल लोकेशन होता है जो कि कट और कॉपी किए गए डेटा को टेम्प्रोरी स्टोर करता है। टेम्प्रोरी का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जब तक आप अपने कंप्यूटर को शटडाउन नहीं करते हैं या फिर जब तक आप अपने यूजर प्रोफाइल से लॉग आउट नहीं होते हैं, तब तक वो आपके डेटा को क्लिपबोर्ड में स्टोर करके रखता है। उसके बाद जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं या फिर अपने प्रोफाइल से लॉग आउट हो जाते हैं, तो क्या करता है कि आपके क्लिपबोर्ड से जितने भी डेटा हैं जो आपने कॉपी या फिर कट करके रखा है, वो आपके क्लिपबोर्ड से परमानेंटली डिलीट कर देता है। और क्लिपबोर्ड जो होता है आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल के कुछ एप्लीकेशंस में आप उसको देख भी पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है क्लिपबोर्ड जो होता है आपके कंप्यूटर में भी होता है और आपके स्मार्टफोन में भी होता है। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्लिपबोर्ड कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आपको होम टैब में आना है। होम टैब में आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक क्लिपबोर्ड का छोटा सा विंडो ओपन होगा जो कि इस तरह से जो है यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि क्लिपबोर्ड एम्प्टी कॉपी और कट टू कलेक्शंस आइटम, मतलब कि यहाँ पर जो भी अपने कॉपी और कट किए रहेंगे यहाँ पर आपको शो करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप करके उसको कॉपी और कट करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जय इन्फो टाइप करता हूँ, उसके बाद अगेन यहाँ पर जय इन्फो ट्यूटोरियल टाइप करता हूँ। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने कॉपी किया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जय इन्फो जो है यहाँ पर क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों, यहां से हम लोग जय इन्फो ट्यूटोरियल को कट करके देखते हैं कि ये क्लिपबोर्ड में सेव होता है कि नहीं। तो यहां से हम लोग कट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कट होकर के यहां पर क्लिपबोर्ड में जो है ये सेव हो चुका है। तो वापस से हम लोग यहां पर अगर इसको पेस्ट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि क्लिपबोर्ड में सेव रहेगा लेकिन यहाँ पर जो है पेस्ट भी हो जाएगा, और आप इसको जितना बार चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जय इन्फो को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जय इन्फो जो है वापस से पेस्ट हो जाता है, और इसको अगर सिलेक्ट करते हैं डायरेक्ट तो यहाँ से जय इन्फो जो है पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिपबोर्ड को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इसी प्रकार के एक वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।